ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां भिंड शहर में बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की अनदेखी, लोगों को कटिया डालने पर होना पड़ रहा है मजबूर। समय पर बिजली बिल भुगतान करने के बावजूद भी समय से बिजली की नहीं हो रही आपूर्ति, आखिर इसका कौन होगा जिम्मेदार। वार्ड 14 कुसुमबाई कॉलेज के पीछे इलेक्ट्रॉनिक पाल पर जर्जर तार मानसून आने से पहले मेंटेनेंस शून्य करंट आने के कारण जुबान जानवर की हो जाती है मौत। खबर की प्राथमिकता पर आला अधिकारी संज्ञान ले और आम जनता की परेशानी पर अंकुश लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। आइए देखते हैं पूरे मामले पर हमारे ब्यूरो इमरान अली खान की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं इमरान अली खान भिंड से प्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24/7 सच की आवाज, जिसमें आज आपको हम दिखा रहे हैं विद्युत विभाग के आला अधिकारियों की वो अनदेखी, जिस अनदेखी से सारे मोहल्ले के अंदर लोग परेशान हैं, कटिया डालने पर मजबूर हैं, लेकिन विद्युत विभाग के अनदेखी की वजह से कई बिलों का यहां पर भुगतान हजारों में किया जा रहा है, फिर भी लोगों को किसी भी प्रकार से सहायता विद्युत विभाग की नज़र नहीं आ रही है। बताएं सर, क्या नाम है आपका? और इस एरिया में कई विद्युत विभाग के द्वारा जो पोल हैं, पोलों पे तार भी जर्जर पड़े हुए हैं, इसी प्रकार से विद्युत विभाग के द्वारा इनको दुरुस्त नहीं किया गया, क्या कह रहा है? सर, मेरा नाम विनोद कुमार जैन है और बिजली विभाग की और बिजली की समस्या तो बनी रहती है, बहुत ज़्यादा समस्या है। कल से लाइट ही इस गली में मतलब कट कट के आ रही है, कहीं अर्थ टूट जाता है, कुछ हो जाता, और मीटर रीडर तो आते हैं कभी कभार, और आते भी हैं तो ना तो रीडिंग लेते हैं मीटरों की, ना आज तक रीडिंग ली गई है। और समस्या ये है कि यहाँ कट छोड़ दिए गए हैं मीटर रीडर द्वारा और मिस्त्रियों द्वारा, तो वहाँ कड़ियाँ डली हैं, आपने देखा ही अभी, ठीक है ना। चोरी हो रही धड़ाधड़, चोर चोरी कर रहे हैं पेल के लाइट की, और आम जो दुकानदार है वो बिल्कुल परेशान है, बिजली आती नहीं है, तो आ रही है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रही है, क्योंकि लोड ज़्यादा है, इतना तारों पे इतना लोड है कि हद से ज़्यादा, मतलब तारों में बिजली नहीं आ रही, इसीलिए लोग डायरेक्ट कड़ियाँ बनाकर डाले हुए हैं। हाँ, कड़ियाँ नहीं, बगैर कछु तो लोग ऐसे डाले हैं जो फड़ लगे हैं, दुकानों के बाहर फड़ लगे हैं, वो लोग कड़िया डाल के अपनी लाइट जला रहे हैं, उनका कोई मीटर मीटर नहीं है, उनका कोई मीटर नहीं है, कोई मीटर नहीं है। विद्युत विभाग की टीम आती है सर्वे करने के लिए? अरे विद्युत विभाग वाले तो आते हैं और घूम जाते हैं, बिना खूब देखा था ये कड़ियाँ डाली हैं, बिना कोई मतलब नहीं है वहाँ से, मतलब हाँ, हमने कई बार कहा भी है कि साहब हमने जो पे तो गौर करो जी। तो यहाँ आप बता रहे मीटर रीडर के द्वारा पैसा भी लिया जाता है, यहाँ लोग उसको पैसा दे देते हैं तो उसका मीटर, हाँ मीटर रीडर लेते भी होंगे किसी से पैसे, बहुत से लोगों से लेते होंगे, लेते हैं हाँ, तब तो वो गौर करते ही नहीं है, नहीं तो मीटर रीडर कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा जी। यहाँ कार्रवाई नहीं होती? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। कि आखिर विद्युत विभाग के आला अधिकारी अपने चैम्बरों में मस्ती की नींद सो रहे हैं और उन्हीं के बीच में से विद्युत चोरी करने के लिए संपूर्ण तरीके से समाज के समाज कंटक लगातार विद्युत चोरी भी कर रहे हैं। हम आपको एक ऐसी दीपिका दृश्य दिखाना चाहेंगे, ये उस एरिया में डीपी लगी हुई है जिस एरिया में यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ रहती है, और इस एरिया में जब भी जल बारिश होती है तो यहाँ करंट के आसार नज़र आते हैं। विद्युत विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा यहाँ जिस प्रकार से देखरेख की जा रही है, उस देखरेख से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ संपूर्ण तरीके से विद्युत विभाग की अनदेखी सामने है, जिसमें आपको हम कुछ उस डीपी के दृश्य दिखाना चाहेंगे जो ये डीपी राज टाकिज वाली एरिया और हासिंग कॉलोनी वाली एरिया के बीच में है, जिस डीपी पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से तार अनगिनत लगे हुए हैं और उन तारों में करंट भी जारी है, साथ ही लोहे का इलेक्ट्रिक पोल है और उस पोल के अंदर भी करंट आने की आशंकाएं हैं। यहां बच्चे, वृद्ध, महिलाएं, आवागमन आम लोगों का बना रहता है, जिस पर विद्युत विभाग के आला अधिकारी भी ध्यान आकर्षित नहीं करते, बल्कि किसी भी प्रकार से स्पार्किंग होने के बाद यहां एक बड़ा हादसा कभी भी घटित हो सकता है, लोगों के घरों तक
कटिया कनेक्शन, जिस कटिया कनेक्शन पर संपूर्ण तरीके से रोक है, फिर भी यहाँ कटिया कनेक्शन खुले हुए तार वो आप सदैव उन इलेक्ट्रिक पोलों पर देख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक पोल यहाँ लोहे के बने हुए हैं। डीपी के पास ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और कभी भी कोई भी हादसा अगर यहाँ घटित होता है तो निश्चित है कि यहाँ कौन जिम्मेदार होगा, और इस जिम्मेदारी पर भी ध्यान आकर्षित करना प्रशासनिक अधिकारियों की विशेष एक प्राथमिकता बनती है। लेकिन विद्युत विभाग के आला अधिकारी, साथ ही यहाँ मीटर सर्वे जो होते हैं, जो मीटर का सर्वे लेने के लिए आते हैं, उन मीटर सर्वेयरों के द्वारा भी विशेष यहाँ प्राथमिकता जांच की नहीं दी जाती। कई तार डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोल से निकलकर घरों तक पहुँच रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हम विद्युत विभाग के आला अधिकारियों को जिस प्रकार से अन्य गरीब परिवारों तक जो महंगे महंगे बिलों को पहुंचाना एक अशोभनीय कार्य देखा जाता है, तो निश्चित है कि ऐसी एरियाओं में क्यों प्राथमिकता विद्युत विभाग के आला अधिकारी ध्यान आकर्षित नहीं करते, जहां लोगों का रस भरा एरिया देखा जाता है, आवागमन लोगों का होता है, बीच में ही यहां कुछ कनेक्शनों को खुला छोड़ दिया गया है। ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ कनेक्शन है, जिन तीनों कनेक्शनों को यहाँ कटिया बनाकर छोड़ दिया गया है, जिनमें लोगों की कटियाँ भी जल रही हैं, जबकि यहाँ एम सील से पूर्ण तरीके से बंद होना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार से यहाँ फॉल्ट ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, लेकिन यहाँ कटियाँ बनाकर छोड़ दी गई हैं और लोगों की कटियाँ भी यहाँ आसानी से जल रही हैं। तो अब हम विद्युत चोरी की बात करते हैं, तो आखिर विद्युत चोरी पर कैसे अंकुश लगेगा और किस प्रकार से यहाँ आला अधिकारी ध्यान आकर्षित करेंगे, इस विषय पर आप समझ सकते हैं। और ये जो आज विशेष खबर जो आपको प्रकाशित की गई है, उस खबर का उद्देश्य यही है कि इस चौक में जो जर्जर पड़े हुए तार अगर किसी भी प्रकार से स्पार्क या फिर फोल्ड होती है, हालांकि कई बार यहाँ करंट के लोगों को करंट भी लगा है, यहाँ एक गाय भी मृत हुई है, और एक बार यहाँ एक खोखे में भी आग लग गई थी। कारण यही है कि बरसात होती है तो निश्चित है कि अर्थिंग का तेज करंट आना, उसके साथ ही जर्जर तार आपस में स्पार्क करने के बाद जल जाते हैं, उसके बाद करंट के आसार बढ़ जाते हैं और इस एरिया में सबसे ज़्यादा पानी का जल भराव भी उत्पन्न हो जाता है। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम मौर्श्री। अच्छा, यहाँ ये डीपी जो लगी हुई है, करंट आता है इसमें? करंट बहुत ज्यादा आता है, पानी भर जाता है, या घोटन घोटन पानी भर जाता है दुकान में, ऊँचो ऊँचो तक पानी भर जाता है, ज्यादा ही हो जाता है। अच्छा, यहाँ जो तार सही करने के लिए कभी कोई विद्युत विभाग की टीम नहीं आती? कोई नहीं आता, कंप्लेंट पर डे की कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता, निरीदाय कंप्लेंट करते हैं, कोई आता ही नहीं हमारे भी। अच्छा, कोई संभालने ही नहीं आता, इसलिए तार डालना पड़ता है। नाम है आपका? आनंद जैन। आनंद जी, आप यही रहते हैं? हाँ। ये आपकी दुकान के ही सामने शायद ये विद्युत की डीपी है? हाँ, बिल्कुल सही बात। ये जो डीपी है, यहाँ करंट आता है क्या? हाँ, करंट आता, कल अभी सुबह साढ़ को एक करंट लग चुका था इसमें, जिसको पूरे डंडे मार मार के उसको बचाया, तार लगे हुए हैं, और बिजली वाले जो कंप्लेंट लिखाते हैं वो कोई आ नहीं रहा है, अब कब तक हम लोग अंधेरे में, इसलिए डायरेक्ट खम्भे पर तार डाले हुए हैं। अच्छा, डायरेक्ट खम्भे पर तार डाले हुए हैं? अब तो जब बिजली वाले कंप्लेंट लिखा रहे हैं, तार डले हुए हैं यहाँ खम्भे पे, काफ़ी तार डरे हुए हैं, फिर मार्केट के भी आए हुए हैं, मार्केट के भी है। हाँ, कई ऐसे भी तार हैं जहाँ विद्युत कनेक्शन नहीं है लोग, और नहीं ऐसा कोई भी नहीं है, सब कनेक्शन वाले हैं, क्योंकि ये सब मार्केट के तार हुए हैं, और सब लिए दुकानदारों के, और दुकानदार के सारे बिल दुकानदार भरते हैं, यहाँ कोई वैसे मोहल्ला वाले नहीं है, ठाकुर ब्राह्मण वाले नहीं है, जहाँ पैसा नहीं, यहाँ तो सब बनियों की भी दुकानें हैं, और बनियों के ऊपर ही उल्टे सीधे बिल लगाए जाते हैं, उन्हीं पे बिल आते हैं उल्टे सीधे, मतलब जो है मेंटेनेंस नहीं होता, कोई फिटनेस मेंटेन नहीं, कोई मीटर की रीडिंग से नहीं आते, एवरेज बिल को 400 रीडिंग का, कोई 500 रीडिंग का कोई पता नहीं है। यहाँ किसी व्यक्ति ने ये भी बताया कि यहाँ मीटर रीडर मेहरबान है लोगों पर, यहाँ मीटर रीडिंग ही लेने नहीं आता, आता ही नहीं, जब मीटर रीडिंग तभी तो एवरेज बिल आ रहा है, आती ही नहीं है, कोई नहीं आता। यहाँ जो डीपी है, ये डीपी में करंट कब देखा जाता है? करंट मतलब करंट कब आता है डीपी? करंट अभी जो तार लगे हुए हैं, जैसे गाय आए माँ खान, जैसे खाना थी तो गाय जो तार छुप गए तो करंट आओ, बाकी पानी बसता है तब तो आता ही आता है, आता ही है। इस एरिया में बारिश जल भराव ज्यादा है, जल भराव तो जी समझ लो कम से कम घुटन से ज्यादा दुकानों पे माल बढ़े, पानी भर जाता अंदर तक घर पे। तो निश्चित है यहाँ जिस प्रकार से आज हमने आपको एक खबर से जोड़ा है, यहाँ विद्युत विभाग के आला अधिकारी आखिर मानसून से पहले ध्यान आकर्षित क्यों नहीं करते,
अगर मानसून से पहले ध्यान आकर्षित करेंगे तो निश्चित है कि यहाँ कई प्रकार की परेशानी और समस्याएं हैं, उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। विशेष यहाँ जो विद्युत विभाग की डीपी लगाई गई है, उस डीपी में करंट तीव्र गति से तब आता है जब यहाँ तेज बारिश होने के बाद पानी का जल भराव होता है। साथ ही यहाँ डीबीसी के माध्यम से पहले भी खबर प्रकाशित की गई थी और यहाँ ये अवगत भी कराया था कि विद्युत विभाग के आला अधिकारी डीपी के पास में कटे हुए तारों को और डली हुई कटियाओं को हटाने का कार्य प्रारंभ करें, जिससे कि यहाँ सभी लोगों को घरों तक लाइट आसानी से पहुँच सके। लेकिन यहाँ विद्युत विभाग के आला अधिकारियों ने बिल्कुल ध्यान आकर्षित नहीं किया है। विशेष कैमरामैन फरमान के साथ इमरान अली खान, जिला भिंड।